भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल करने के बाद दूसरा टेस्ट मैच भी शुक्रवार को खेला जाएगा। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैच के लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि भारतीय टीम में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। ओपनिंग के लिए केएल राहुल और पृथ्वी शॉ जाएंगे। बता दें कि उम्मीद तो बहुत से खिलाड़ियों से की जा रही है, अब देखना ये होगा कि कौन से खिलाड़ी चलते हैं और कौन से नहीं। वहीं फैंस की माने तो विराट कोहली इस टेस्ट में अपने 25 टेस्ट शतक पूरे कर सकते हैं। वहीं अगर अजिंक्य रहाणे की बात करें तो टीम मैनेजमेंट उनके फॉर्म को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत से अच्छी विकेट कीपिंग की उम्मीद की जा रही है। स्पिनर गेंदबाजी की बात करें तो 12 खिलाड़ियों में आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव का नाम है। और वहीं अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो उमेश यादव, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को जगह मिल गया। आपको बता दें कि टीम में अगर दो स्पिनर खेलेंगे तो शार्दुल ठाकुर के लिए ये डेब्यू मैच हो सकता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।